सईद अजीत सरकार सद्भावना कप पर धनगामा टीम ने किया कब्जा। रानीपत्रा प्रखंड अंतर्गत नुनाय सह अग्रहरी खेल मैदान में शनिवार को शहीद अजीत सरकार सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच बेलोड़ी अंचित शाह और धनगामा के बीच खेला गया, जिसमें धनगामा की टीम ने सद्भावना कप पर कब्जा जमा लिया। इस मैच के प्रायोजक मदरसा रानीपत्रा स्पोर्टिंग क्लब थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पार्षद राजीव कुमार सिंह, आशीष कुमार आशीष, रजीगंज पंचायत के उप मुखिया अशोक उड़ाव, पिट्टू सरकार, समिति सुधीर लाल मुंडा, गुड्डू महतो, मोहम्मद मुस्लिम दीवान, आशीष कुमार मेहता थे। विजेता टीम को मुख्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से ट्रॉफी के साथ नगद राशि भी प्रदान की। जिला पार्षद राजीव कुमार सिंह ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आपसी एकता व सद्भावना को कायम रखने के लिए ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिससे गांव की प्रतिभा निकलकर सामने आती है। बता दें कि शहीद अजीत सरकार क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 13 फरवरी को किया गया था, जिसमें कुल 16 टीम भाग ली थी। सभी खेल 16 ओवर का खेला गया, जिसका फाइनल मुकाबला शनिवार को खेली गई। फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए धनगामा की टीम ने 16 ओवर में 255 रन बनाया। जवाब में बेलोड़ी अंचित शाह की टीम 16 ओवर में 204 रन बनाकर 5 विकेट खोकर मैच को हाथ से गंवा दिया। धनगामा की टीम ने 52 रन से यह मैच जीता। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद जाहिद और मैन ऑफ द सीरीज आशु कुमार रहे। इस मौके पर मोहम्मद महफूज, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद खलील सहित सैकड़ों ग्रामीण खेल प्रेमी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।